कनाडा में जो स्टूडेंट्स रिफ्यूज्ड हैं वो अपना वीज़ा कैसे ले सकते हैं, मैं उनको आपको इस वीडियो में गाइड करूंगा। और सेकेंडली दो केसेस आपसे डिस्कस करूंगा जिनका हमने रिसेंटली वीज़ा लिया है। वैसे तो हमने बहुत सारे रिफ्यूज केसेस का वीज़ा लिया हुआ, लेकिन उनका पर्टिकुलरली मैं आपको कुछ सीक्रेट्स भी शेयर करूंगा कि कैसे हमने उनका वीज़ा लिया है। तो आज की वीडियो जो रिफ्यूज स्टूडेंट्स हैं जो रीअप्लाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बेल्स ओवरसीज, द साउंड ऑफ योर फ्यूचर। हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से अगर आप अपना स्टडी वीज़ा प्रोसेस करना चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6292062920 पे कॉल करके प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक कि जो रिफ्यूज स्टूडेंट्स हैं और री अप्लाई कर रहे हैं जैन इनटेक में या मई इनटेक में, वो अपना वीज़ा कैसे ले सकते हैं। तो आज सबसे पहले मैं आपसे दो जो केस स्टडी है वो आपसे डिस्कस करूंगा। जो पहली केस स्टडी है वो है रोहित कुमार बंगा, जो कि होशियारपुर से बिलोंग करते हैं। उनका दो रिफ्यूजल के बाद हमने वीज़ा लिया। उनका प्रोफाइल क्या था, उन्होंने 2019 में अपनी 12th की थी नॉन मेडिकल में और उनके ओवरऑल 65% थे और दो सब्जेक्ट्स जो कोर सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स में 52 और मैथ में 55 नंबर थे। तो क्योंकि लो एकेडमिक्स था और इससे पहले वो दो बार रिफ्यूज थे, तो उन्होंने होशियारपुर के ही किसी कंसल्टेंट से दो बार अपनी फाइल लगाई और दो बार उनकी रिफ्यूज़ल आई। अब यहाँ कारण क्या था, कारण था कि उनको जो प्रोग्राम लेके दिया हुआ था वो बिल्कुल गलत था। उनका प्रोग्राम था कंप्यूटर सिस्टम टेक्नीशियन। तो जब मैंने फाइल को देखा तो मैंने कहा भी आपके मैथ और फिजिक्स में इतने मार्क्स कम है, इसके बावजूद आपने ये प्रोग्राम लिया, तो वो कह रहे हैं हमने एजेंट ने ले दिया। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को भी चाहिए कि अपनी स्टडी करे, कि आपको पता है कि जो कोर्सेज में मैथ की रिक्वायरमेंट है फिजिक्स की रिक्वायरमेंट है कोर सब्जेक्ट में वैसे भी मार्क्स कम है, तो उससे रिलेटेड मत लीजिए वो वाला कोर्स। फिर इस स्टूडेंट्स को हमने गाइड किया कि आप एक तो थोड़ा आउटर एरिया में अप्लाई कीजिए, फिर उसको प्रोग्राम गाइड किया कि ये वाला प्रोग्राम आपके लिए बेटर है। तो अब हमने उस प्रोग्राम में इसको अप्लाई कराया है। उसके अलावा इसकी हमने बहुत स्ट्रॉन्ग एक SOP बनाई थी और इस बच्चे का 3 साल का गैप भी है, 2019 पास आउट था। तो उसके बाद उसको सारी चीज़ें गाइड करने के बाद आज इस बच्चे का वीज़ा लिया है। ये वीज़ा आपके सामने है। तो ये थी एक वीक प्रोफाइल, 3 साल का गैप, लो एकेडमिक्स थे और उसके बावजूद दो बार रिफ्यूज़ल थी, फिर भी हमने इसका वीज़ा लिया। तो डिपेंड करता है कि आपकी फ़ाइल की प्रेजेंटेशन कैसे, जैसे कि कनाडा में बहुत सारे कंसल्टेंट ये कहते हैं कि आप तो वीज़ा ही नहीं देगा कनाडा, तो ऐसे प्रोफाइल्स के भी हमने वीज़ाज लिए हैं। इसके अलावा बहुत सारी सक्सेस स्टोरी है, तेजिंदर था लड़का, मनदीप था, जिनके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी हमने रिफ्यूजल्स के बाद, सौरभ था, रिफ्यूजल्स के बाद हमने वीज़ाज लिए हुए हैं, दे आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब मैं आपसे दूसरा केस स्टडी करता हूँ जिसकी आज ही हमने PPR रिसीव की है। और इसकी ये खासियत ये थी कि इस बच्चे की जो PPR थी ये 2 मंथ के बाद ही ऑलमोस्ट इसको वीज़ा मिल गया है, क्योंकि ये स्टूडेंट भी जो था रिफ्यूज़ था। ये रमन है लड़की और ये 2014 में इसने अपनी कॉमर्स ग्रेजुएशन की हुई है। उसके बाद इसने 2019 में अगेन BEd ज्वाइन की थी, 2019 से 21 इसने अपनी BEd करी है। 2014 से 19 तक इस बच्चे का गैप, उसके बाद 21 के बाद फिर इसका गैप था। तो अब इसकी जब ये पीछे मेरे पास स्टूडेंट एक बार आया तो इसने कहा सर ऐसे ऐसे मैं ब्रदर वहाँ पर मैं विजिटर वीज़ा लगवाना चाहती हूँ। तो मैंने इस बच्चे को मना किया कि आप विजिटर वीज़ा मत अप्लाई कीजिए, आप अगर करना चाहते तो स्टडी वीज़ा अप्लाई कर दीजिए। सेम ऐसे आपके वाले प्रोफाइल के हमने काफ़ी वीज़ा लिए हुए हैं, मनदीप लड़की थी उसको भी सेम प्रोफाइल पर हमने वीज़ा लिया था और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो ये लड़की मुझे कहती ठीक है जी मैं सोच के बताती हूँ। उसके बाद इसने कहीं और से अपना विजिटर वीज़ा अप्लाई कर दिया और रिफ्यूज़ल हो गई। रिफ्यूज़ल के बाद फिर ये हमारे पास आई, क्योंकि इसके पेरेंट्स का भी वीज़ा मैंने लेके दिया हुआ विजिटर वीज़ा, इसका मदर फादर का। तो मुझे पता है यंग एज में अगर सिंगल एप्लीकेंट लगाता है विजिटर वीज़ा नहीं मिलता, तो हम तो पूरा केस वही, हम कभी भी ये लालच नहीं करते बेल्स ओवरसीज की तरफ से कि ठीक है जी क्लाइंट आ रहा है फीस ले लो, लगे या ना लगे, नहीं। हमारे हमेशा प्रिंसिपल रहता है कि चाहे स्टूडेंट, अगर उसका वीज़ा लगने वाला तभी हम फाइल पकड़ते हैं, नहीं तो नहीं पकड़ते। तो अब इस स्टूडेंट को भी हमने गाइड किया कि हम आपको फलानी यूनिवर्सिटी में भेजेंगे, ये वाला प्रोग्राम लेके देंगे और उसको पूरा प्रॉपर गाइड किया। तो आज इस स्टूडेंट की भी PPR आई है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी फ़ाइल की प्रेजेंटेशन कैसे, हम बहुत मिन्यूटली जाते हैं हम, अगर आपके आप जहाँ जॉब करें अगर आपका एक्सपीरियंस है तो उसको भी बड़ा मिन्यूटली कहते हैं कि ये चीज़ें लिखवाओ। फिर हम आपको कोर्स जब लेके देते तो भी हम बड़ी डीपली जाते हैं कि कौन से मॉड्यूल लेके दें जो आपसे रेलिवेंट हो। फिर उसके बाद
हम एक स्टडी का ब्रिज बनवाते हैं, तो देर आर सो मैनी थिंग्स कि हम फाइलिंग पे बहुत हार्डवर्क करते हैं, तो हमारा जो फाइलिंग सिस्टम है वो भी 3 टायर है। हमारे फाइलिंग ऑफिसर चेक करते हैं, मैनेजर चेक करते हैं, थर्ड स्टेज में मैं हर बच्चे की खुद फाइल चेक करता हूँ, एक एक SOP की लाइन खुद चेक करके फाइनल करता हूँ। तो उसी का रिजल्ट है कि हमारी जो वीज़ा सक्सेस है, कैनेडा में इतनी रिफ्यूजल्स के बाद भी 98% हमारी वीज़ा सक्सेस है। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे मेरा और मेरी टीम की काफ़ी हार्डवर्क रहता है। तो अगर आपका भी कोई भी प्रोफाइल है किसी भी कंट्री के स्टडी वीज़ा को लेके, आप हमें नीचे कमेंट कीजिए, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई देते हैं। और अगर आप अपना कोई भी बात करना चाहते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन फर्दर फ़ोन पे भी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6292062920 पे कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बिजनेस और कॉल अस फॉर वीज़ा सर्विसेज, फॉलो अस ऑन आवर सोशल हैंडल्स फॉर ऑफर्स एंड न्यू अपडेट्स।